जी नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले इमरान खान साहब कह रहे थे कि दहशतगर्दी का हल निकाला जाए और मिलिटेंट्स के साथ मुजाकरात किए जाएं और बातचीत की जा सकती है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं हारून रशीद साहब, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफी हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपने हारून साहब, इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी और हमने आज प्रोग्राम में डिस्कस भी इनके साथ यही किया कि किन लोगों के साथ बातचीत होनी चाहिए, और उन्होंने खुल के बताया कि कबायली लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं, तालिबान के साथ हम बात कर सकते हैं, अगर मसले का हल सियासी बुनियादों पर निकाला जाए तो फिर कुछ अमन कायम हो सकता है। आप अग्री करते हैं इससे या नहीं? देखिए, गुजारिश यह है कि मर्ज होते हैं दो तरह के। एक होता है सिंपल मर्ज, जैसे इमरान खान साहब को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई थी, इन्होंने ऑपरेशन कराया, ठीक हो गया। एक होता है उसे कहते हैं मुजम्मन मर्ज, जिसमें बहुत सी पेचीदगियां होती हैं। एक आदमी को शुगर भी है, लिवर भी खराब है, हार्ट का भी कुछ प्रॉब्लम है, तो बड़ी एहतियात के साथ ये तय करना पड़ता है कि मरीज का किस तरह इलाज किया जाए, पहले किस मर्ज का किया जाए, दूसरे का किस तरह, तीसरे का किस तरह किया जाए। और इंडिविजुअल्स के मामले में तो ये है कि वो लाइलाज भी हो जाते हैं, मगर कौमें कभी लाइलाज नहीं होती, इसलिए कि कौमों में बहुत से लोग अच्छे होते हैं, बहुत से बुरे होते हैं। हम 1980 से गलतियां करते हैं रूसी फौज के आने के फौरन बाद। मसलन जियालग की गलती ये थी कि उसकी बुनियादी पॉलिसी दुरुस्त थी, रूस को फाइट करना चाहिए था, लेकिन फाइट करना चाहिए था कौम से पूछ के, कौम को एतमाद में लेके, कौम को शरीक करके। उसके बाद में भी गलतियां होती रहीं। और अब हमारा मामला ये है कि एक तरफ तो हमारा वास्ता अमेरिका से है और हमें हुक्म देता है और हम मानते हैं, और हमारे वज़राए खारजा और वज़राए दफा और वज़राए दाखिला भी अब अमेरिका और बरतानिया की मर्जी से मुकर्रर होते हैं जी। दूसरी तरफ एक पागलों का टोला पैदा हो गया है और उन्होंने अमरीका से इंतकाम लेने के लिए जरायम पेशा लोगों को अपनी सफों में दाखिल कर लिया पहले, और बाद में जरायम पेशा लोग ही सब कुछ हो गए। तहरीक तालिबान जो अफगानिस्तान में है उससे तो बात भी हो सकती है और मामला भी हो सकता है। जो पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में है, इसमें मेजॉरिटी अब क्रिमिनल्स पर मुश्तमिल है। ये दरिंदे हैं, ये बच्चों और औरतों को हलाक करते हैं, इन्हें आइसोलेट करने का एक अमल करना चाहिए। उसके लिए कबायली अवाम को, मुअज्जिज़ीन को, सियासी कारकुनों को, हर एक को एतमाद में लेके इन्हें आइसोलेट करके मारना चाहिए, बाकियों के साथ हमें नहीं लड़ना चाहिए। तो अभी जो खान साहब ने कहा, आप कुछ कह सकते हैं? वो तो हमेशा कुछ पॉइंट्स पे आपसे डिसएग्री भी करते हैं। खान साहब जो है ना जी, इनके मौकफ में सिर्फ मुझे एक एतराज है। इनकी एक बात 100% दुरुस्त है कि मसले की जड़ अमरीका है, अमरीका की मुदाखलत से मसला पैदा हुआ, पहले रूस की मुदाखलत से पैदा हुआ, फिर अमरीका की मुदाखलत से पैदा हुआ। दूसरी बात भी ये दुरुस्त कहते हैं कि ये पश्तून सियासी तहरीक है और इसको आप ताकत से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन मुझे इससे इत्तफाक नहीं है कि फौरन सबके साथ मुजाकरात शुरू कर दिए जाएं। क्रिमिनल्स के साथ मुजाकरात नहीं हो सकते, जो बेटर लोग हैं उनके साथ हो सकते हैं। देखिए, मैं पोजीशन आप स्ट्रेंथ से मुजाकरात, वो आप खान साहब की भी सुन ले, वो भी कुछ कहना चाह, वो भी कुछ बताना चाह रहे हैं आपको। हारून साहब अभी हज करके हैं तो मैं इनकी खास बात सुनना चाहता हूँ। ये उन जगहों से आए हैं कि अल्लाह ने इनको और ज्यादा इनकी बेहतर सोच की है, और आपको पता है कि ये माशाल्लाह इनकी जो कॉलम्स हैं ये एक पढ़ी जाती है, इसलिए कि लोगों को पता है कि ये दिल से लिखते हैं, और ये भी किसी से कंट्रोल नहीं, हमेशा आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, और ये कंट्रोल किसी इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर है, ना मैं कंट्रोल हूं किसी से, ना ये कंट्रोल है। लेकिन मेरा इनसे असल में कोई ज्यादा इख्तलाफ नहीं है, ये बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं कि ये इसमें दरिंदे हैं। मैंने आपको कहा कि इंसान नहीं है, जो मस्जिदों में जाके और मेरे अपने रिश्तेदार जब शहीद होते हैं तो ये मैं, और मुझे पूरी डिटेल्स है, मैं वहां जनाजे में, मुझे उनके बच्चों ने सबने बताया हुआ क्या है, बच्चों को पकड़ के मारे, ये इंसान नहीं हो सकते। असल में ये बात कह रहे हैं कि एक कबायली लोग हैं जो अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका की नफरत की वजह से आज खड़े हुए हैं, और वो समझते हैं कि पाकिस्तानी फौज अमेरिका की जंग लड़ रही है। मेरा टारगेट ये लोग हैं। आप अगर इन लोगों को ये तासुर दें कि नहीं जी, हमारी हम अमेरिका की जंग में नहीं अब शामिल, वो तो वैसे ही अब मुजाकरात कर रहे हैं, उनका तो एक वैसे भी प्रोग्राम बन रहा है कि अब वहां एग्जिट स्ट्रैटेजी है, उन लोगों को अपने साथ मिलाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक दफा आपके साथ कबायली लोग खड़े हो गए, और वो सिर्फ इसलिए नहीं खड़े हो रहे हैं कि वो अमेरिका से नफरत ज्यादा करते हैं, वो अमेरिका की नफरत में हमारे साथ नहीं आ रहे, वो ये समझ रहे हैं कि अमेरिका की वजह से हम डूमोर कर रहे हैं। और उसके बाद अगर आप उनको साथ मिला लें, आपको पाकिस्तानी फौज को हम इस दलदल में नहीं फंसाए, हमारी फौज कीमती फौज है, ये हम हिंदुस्तान का फायदा करवा रहे हैं। क्यों हिंदुस्तान डू मोर कह रहा है मुझे बताओ, वो पाकिस्तानी फौज को खुश करने के लिए कह रहा है या हमारा खैर हुआ है? वो एक तरफ कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान पूरी तरह या मिलिटेंट्स को बैक कर रहा है,
और दूसरी तरफ वो हमें डूमोर भी कह रहे हैं। क्या डूमोर हमारी बेहतरी के लिए कह रहे हैं? हारून साहब अब इत्तेफाक करें, अब जो इन्होंने पूरी की पूरी बात समझा दी, अब इत्तेफाक करें कि बाकी मुज़ाकरात होने चाहिए। मुझे बुनियादी इख्तलाफ नहीं है, मेरा इख्तलाफ ये है कि ये भी एक मामले में अदम तहजुन का शिकार है। एक तो देखिए दो तरह के पॉलिटिशियन है पाकिस्तान में, एक को शर्म नहीं आती, उनका कोई इलाज नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसे शर्म नहीं आती वो अपनी मर्जी करे। तो इनके साथ करना क्या चाहिए जिनको शर्म नहीं आती? सुने ना, दूसरे वो हैं जो तवाजुन खो देते हैं। अपना इमरान खान जो है, इनकी बुनियादी थीसिस से मुझे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इस वक्त जब मस्जिदों में और घरों में और बाजारों में कत्लेआम हो रहा है तो ये थोड़ा सा इनमें अदम तवाजुन आ जाता है। ये उतनी मजम्मत इन दरिंदों की नहीं करते जितनी अमेरिका की करते हैं। अब करें आज खुल के, नहीं वो आज कर रहे हैं, वो खुल के कर रहे हैं। अभी उन्होंने पहले कहा था मैं हर बारी मजम्मत की मेरे अपने हारून को, एक मिनट हारून सुनो, एक मुस्तकिल मसला है हारून सुने, मेरे अपने मेरा रिश्तेदार जनरल बिलाल शहीद होते हैं, मैंने उनकी मजम्मत मेरी अखबार में नहीं छपती। अब मुझे बताएं कि हर रोज कि ये कातिल हैं, ये दरिंदे हैं। हम पांच साल से मुजम्मत कर रहे हैं, ये अगर कोई कह रहा है कि मुजम्मत पांच साल से कर रहे हैं और अपना मौकफ वाज़े करें, आपकी आप ये समझें कि पांच साल से मुजम्मत कर रहे हैं, कौन खुदकुश हमले की जिधर औरतें बच्चे मर जाते हैं? मैं और पांच साल से मैं मुसलसल हल दे रहा हूँ इसका। वैसे भी बात होती रहती है, डॉक्टर साहब एक मजमून लिखे अखबार में, मजमून लिखे तजवीज दें, मौकफ वाज़े करें। आपका मौकफ हमें तो मालूम है मगर आम लोगों को मालूम नहीं है पूरी तरह से। हारून साहब मैंने मैं कल मेरा प्रोग्राम था एक कैपिटल टॉक में, मैंने पांच साल पहले मैंने जो बातें कही थी वो आज आप देख लें, मैंने मजमून लिखे थे पांच साल पहले, सारे वक्त में एक ही बात कहता रहा कि ना करो ये चाहिए। मेरी अर्ज सुने इमरान खान, बात सुनिए, मैंने कल जो आपने कैपिटल टॉक में गुफ्तगू की आज का कॉलम उस पर लिखा है और वो कल छप जाएगा, और उसमें यही लिखा है कि दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जिन्हें शर्म ही नहीं आती, उनका तो कोई इलाज नहीं है, वो तो इलाज तजवीज करें के खिलाफ तो चीखते हैं, अमेरिका के खिलाफ बात नहीं करते। दूसरे इमरान खान जैसे लोग हैं जो इजहार में अपने तवाजुन बाज़ोकात खो देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हारून और रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने कुछ तनकीद भी की, समझाने की कोशिश भी की इमरान खान साहब को, और कुछ इन्हीं अहम पॉइंट से हम बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद सिलसिले को जारी रखेंगे।